जब अमीर के बच्चे और गरीब के बच्चे एक जगह बैठ करके जब एक नीति लागू होगी शिक्षा के लिए, तब जा करके ये गरीब और वंचित समाज को अधिकार मिल पाएगा। और नेताजी इसी विचारधारा को लेकर के वंचित समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के प्रेरणा से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के वाराणसी प्रभारी ब्रिजेश राजभर संगठन को मजबूत बनाने के लिए वाराणसी व जौनपुर जिले में जाकर जनसंपर्क किए। साथ ही अजगरा विधायक कैलाश नाथ सोनकर के संग हरहुआ में एक श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे। इस बीच जौनपुर के लगधरपुर व दोदापुर में भी पहुंचे। लगधरपुर में वह दो पक्षों में हुई मारपीट की सूचना मिलने के बाद पीड़ित परिवार से भी मिले। नेवढिया स्थित दोदापुर में भी राजभर बस्ती में पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाने। आपको बता दें कि पिछले दिनों दोदापुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों से दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इस दौरान मौजूद रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के वाराणसी प्रभारी ब्रिजेश राजभर, जौनपुर जिला प्रभारी व मलहनी विधानसभा प्रत्याशी श्याम बहादुर राजभर, वाराणसी युवा जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राजभर, दिनेश राजभर, मनीष राजभर, संघ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताजी की विचारधारा है कि जन जन तक ये आवाज को उठाना है और गरीब वंचित समाज को जब तक हम शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, नेताजी का कहना है वो जो एक शिक्षा एक नीति जब लागू होगा, जब अमीर के बच्चे और गरीब के बच्चे एक जगह बैठ करके जब एक नीति लागू होगी शिक्षा के लिए, तब जा करके ये गरीब और वंचित समाज को अधिकार मिल पाएगा। और नेताजी इसी विचारधारा को लेकर के वंचित समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और जो लोग समझ रहे हैं, विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा उनको समझने की ज़रूरत है, या तो फिर विरोधियों के प्रेरित होकर के ये कदम उठा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, एक बार जरूर नेताजी के विचारधारा को समझने की कोशिश करिए। अभी एक मुद्दा जो है विपक्ष बहुत तेज़ी से उठा रहा है कि पिछले दिनों जो कट्टर हिंदुओं का जो कट्टर माने जाते हैं ओवैसी, नेताजी उससे संपर्क कर लिए हैं, ये कहाँ तक जायज है? ये एक लाइन में कहना चाहूँगा कि नेताजी या तो समाज के लिए या देश के लिए, हम कहते हैं भारतीय झूठ पार्टी, नेताजी बीजेपी का एक बहुत बढ़िया फुलफॉर्म दिया है कि आप लोग दामाद बहनोई और जीजा बना सकते हैं, क्या हम एक दोस्त बना लिए तो आपको मिर्ची लग गई? बस धन्यवाद।